मोहन बड़ोदिया तहसील के ग्राम चंदौली की ग्राम पंचायत खोरिया एमा में बालिका का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें गजराज सिंह राजपूत ने बालिका के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि हमारे साथ पीढ़ी में बालिका का अभी तक कोई जन्म नहीं हुआ था, लेकिन आस्था व मन्नत से हमारे यहाँ बालिका आई। बालिका का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसमें अतिथिगण भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, वरिष्ठ आदि जिले के लोग शामिल हुए। साजापुर से जिला ब्यूरो मुकेश बामनिया की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? मेरा नाम है गजराज सिंह राजपूत, ग्राम चंदौनी, पंचायत खोरियामा, जिला साजापुर, मध्य प्रदेश। जी, बालिका का जन्मदिन पर आपने क्या क्या? हमारे सात पीढ़ी में बालिका का अभी तक कोई जन्म नहीं हुआ था। मेरे सात पीढ़ी के पूर्वजों ने भी बहुत मान की, मन्नत की, बालिका नहीं हुई थी, पर भगवान की ऐसी कृपा हुई तो मेरे यहाँ बालिका आई। एक साल हो गया बालिका का जन्म होकर, और मैंने जब एक तारीख के दिन जिसका जन्मदिन था, इसमें सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और भी वरिष्ठ जिला के लोग, समाज के जिला अध्यक्ष, हमारे राजपूत समाज के गांव के आसपास के सभी वरिष्ठ लोगों को मैंने निमंत्रण दिया। तो बालिके का जन्मदिन वड्डे मनाएंगे ढंग से, थोड़ा पूरा परिवार में बड़ा उत्साह था। ये चाहते थे परिवार के लोग तो बालिका के अच्छे सात पीढ़ी में आइए, तो धामधूम से उसका जन्मदिन मनाया जाए, सभी समाज के, हिंदू समाज के सभी लोगों को बुलाया जाए, राजनीतिक दलों के सबको मनाया जाए। बालिका ही सब कुछ है इस देश में, बालिका ही लक्ष्मी है, और बालिका ही जो अगर इस देश में रहेगी तो बालिका से ही सब कुछ उद्धार होगा। एक लक्ष्मी का रूप है और बालिका ही एक ऐसी देवी दुर्गा का रूप है जो खंधे से खंधा मिलाकर चलाती है, और वो दो परिवार को ही पालती है। बच्चा तो एक ही परिवार को पालता है, पर लेकिन बालिका दो परिवार को तारती है। और मैं, मेरे जो भी यहाँ ग्राम चंदौनी में पधारे हुए मेरे मंडल के भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग, जिला के लोग, समाज के लोग, हिंदू समाज के जो भी लोग मेरे यहाँ पधारे हैं, मैं बड़े सबके आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।